गोला पुलिस ने भाजपा सांसद कमलेश पासवान व चिल्लूपार के नवनिर्वाचित विधायक राजेश त्रिपाठी के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को डंडवापार मोड़ थाना गोला के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आकाश यादव पुत्र रामाशीष यादव निवासी पडैनिया थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि 11 मार्च को अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक विमलेश पासवान, चिल्लूपार नवनिर्वाचित विधायक राजेश त्रिपाठी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके संबंध में गोला थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी वांछित अभियुक्त गोलू यादव पुत्र स्वर्गीय सदाफल यादव निवासी डंडवापार उर्फ पांडे पार थाना गोला जनपद गोरखपुर, दूसरा संदीप यादव पुत्र स्वर्गीय सदाफल यादव निवासी डंडवापार उर्फ पांडे पार थाना गोला जनपद गोरखपुर, तीसरा पकई यादव पुत्र स्वर्गीय महेंद्र यादव निवासी डंडवापार उर्फ पांडे पार थाना गोला जनपद गोरखपुर, चौथा यश कमल यादव पुत्र रणविजय यादव निवासी डंडवापार उर्फ पांडे पार थाना गोला जनपद गोरखपुर, पांचवा कृष्णा यादव पुत्र रामदवर यादव निवासी बाड़े पार थाना गोला जनपद गोरखपुर अभी फरार है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया इन अभियुक्तों के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह, उप निरीक्षक जयराम यादव, कांस्टेबल वरुण पांडे, हिरण सिंह यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, घर घर जाकर अखिलेश यादव जब तक है दिल में रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक समाजवादी रहेंगे। सब कब आएंगे तो बीजेपी समाजवादी, बीजेपी पार्टी बहुत बड़ा राजेश त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी का राजेश त्रिपाठी बम्मन शंकर, जय विनय शंकर, बम्मन विनय शंकर, जय भाजपा के तुम्हारी माँ चाना बो देंगे, मेरे सब शेर अभी मेरे सब शेर यादव सारे यादव हैं, समाजवादी जब तक रहेंगे तब तक समाजवादी रहेंगे। देख ले मेरा शेर है पूर्वांचल गोलू डॉन संदीप डॉन कमलेश पासवान, कमलेश पासवान की अमर पासवान दावा कर रहा है राम प्रसाद, राम प्रसाद का हम रुक जाओ अरे माले वाले कुछ पूछो सजा जा सकते हैं आवाज किसी और की है।
10 मार्च 2022 को गोरखपुर के रहने वाले कुछ लड़कों ने, जो बेंगलोर में काम करते हैं, वहाँ एक वीडियो बनाया जिसपे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और चिल्लूपार से निर्वाचित विधायक श्री राजेश त्रिपाठी, बासगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान और उनके भाई विधायक श्री विमलेश पासवान के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां की, गाली गलौज, विभत्स गाली गलौज किया और वो वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने गोरखपुर से संबंध रखने वाले तमाम ग्रुप्स में वायरल कर दिया। जब ये वीडियो वायरल होने के बाद सूचना पुलिस तक आई, 11 तारीख को इसमें मुकदमा लिखा गया। क्योंकि वीडियो में जो लोग गाली गलौज हंगामा कर रहे हैं वो लोग स्थानीय थे, इस नाते काफ़ी लोगों को दिखाने के बाद 6 नाम प्रकाश में आए उसमें से अभी तक की विवेचना से, और वीडियो में लगभग 6-7 लोग ही दिखाई भी पड़ रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति आकाश निवासी पड़ैनिया थाना गोला, उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। शेष 5 की तलाश है। माननीय सांसद और उनके विधायक भाई के अनुसूचित जात का सदस्य होने के नाते इस अभियोग में अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगी हैं, जिसके कारण विवेचना क्षेत्राधिकारी गोला द्वारा की जा रही है। शेष 5 अभियुक्तों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसे माननीय न्यायालय के समक्ष अभी तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा, तत्पश्चात विधिक कार्यवाही पूरी करके माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। पूछताछ में जैसा इसके आईओ सीओ साहब पास में बैठे हैं, तो सिर्फ चुनावी जो माहौल था उसमें हम किसी दल को समर्थन करते हैं, उस दल से जिस दल के लोगों के लिए अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई, विभत्स शब्दों का प्रयोग किया गया, उनसे हमारा वैचारिक मतभेद है, हम उस दल को सपोर्ट नहीं करते, इस नाते अपनी पीड़ा कह लीजिए, खीज कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, इस तरह के आचरण से उन्होंने निकाली गाली गलौज से, जिससे कि सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता था। इनकी गिरफ्तारी डड़वापार से हुई, डड़वापार इन्हीं के थाना क्षेत्र। ये मजदूर टाइप लोग हैं, आप जानते हैं यहाँ के काफ़ी लोग बेंगलोर में पेंट पॉलिश का काम करते हैं, तो उसी तरह के व्यवसाय में ये लोग। अभी फिलहाल कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं था, ये पहली घटना है। विवेचना से अगर और तथ्य में आएगा तो उसे हम केस डायरी में शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आज तक की विवेचना से कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं आया। हाँ, इस पर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से इनाम घोषित किया गया था, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला था, रिएक्शन भी दूसरे पक्ष से हो सकता था, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को लेकर के विद्वेष पैदा कर सकते थे, शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी, इस नाते इस पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से इनाम घोषित किया गया था। एक की गिरफ्तारी हुई, 5 के लिए मैंने कहा ना, अभी पुलिस की टीमें प्रयासरत थी।